हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का आप ही सभी के इस यूट्यूब चैनल कलाम को सलाम में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10 के लिए विज्ञान में इम्पोर्टेंट 20 नंबर। जी हाँ दोस्तों, आपको महत्वपूर्ण 20 नंबर आपको लेकर आने हैं कुल 5 लेसन को पढ़कर। मैं बात कर रहा हूँ शुरू के 5 लेसन के बारे में। आपके जो विज्ञान में जो 5 स्टार्टिंग के लेसन हैं उनसे आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। अगर आप पढ़ चुके तो बार बार रिवीजन करना है, एक एक चीज़ को कर लेना है ताकि आप 20 नंबर लेकर आ सको। तो मैं इससे पहले कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने कुछ दूसरे टॉपिक्स में बताया था। जैसे मैंने विद्युत में आपको बता दिया है, प्रकाश में आपको बता दिया है, एक दो लेसन के बारे में ऐसे बताया है। इसके बाद आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ इसमें मैं आपको 20 नंबर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आपके अंतिम दिन है, लास्ट के दिन है आपके जो एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत पास है आपके पर तो प्लीज़ आप लोगों ने लापरवाही नहीं करनी है बिल्कुल भी। कि आप लोग थोड़ी सी भी लापरवाही कर दो तो आपके नंबर पर, आपकी प्रतिशतता पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो तो इन लम्हों को भी, इन क्षणों को भी आपको पूरा इनका सदुपयोग करना है। तो जी लगा के, मन लगा के पढ़िए। ईश्वर ने चाहा तो आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल मेहनत का फल सभी को मिलता है, बशर्ते वो मेहनत ईमानदारी से की जाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उन 20 नंबर के बारे में। तो आपको पता है जो आपका पहला लेसन है विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें जो आपको पढ़ना है ध्यान से देखिएगा, रासायनिक एवं संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इन चीज़ों के विषय में आपको पढ़ना है। और दूसरा जो टॉपिक है संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं। जैसे मैं लिखा हुआ है संयोजन अभिक्रिया, अपघटन का दूसरा नाम है वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर आपका अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण, फिर उपचयन और फिर अपचयन अभिक्रिया। और ध्यान से देखिए ब्रैकेट में हमने लिखा है समीकरण सहित। जी हाँ दोस्तों, ये जितनी भी आप अभिक्रियाएं पढ़ोगे इनकी केवल परिभाषा ही नहीं आपको याद करनी है बल्कि आपको इनकी समीकरणों को भी याद रखना है, करके देखना है, उनको बैलेंस करना भी सीखना है। तो मैं फिर से बता देता हूँ रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको पढ़ना है रासायनिक एवं संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया, इन सबको समीकरण सहित आपको याद करना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अम्ल क्षार तथा लवण, जो आपका लेसन नंबर 2 है, पार्ट 2 है, अध्याय 2 है अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें आपको क्या पढ़ना है, H प्लस और OH। H प्लस किसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, OH हाइड्रोक्साइड आयन। इनके आधार पर आपको अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा को पढ़ना है, उनके गुणों के बारे में और उपयोग के बारे में, और कुछ उदाहरण भी आपको पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है pH पैमाना, pH के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। यदि pH मान 7 से कम होता है तो पदार्थ आपका अम्ल हो जाता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षार हो जाता है, और pH अगर 7 ही रुक जाता है तो वो उदासीन हो जाता है। तो pH पैमाने के बारे में पढ़ना है आपको, और दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, इन चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तीसरा आपको पढ़ना है, देखो कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH बोलते हैं, विरंजक चूर्ण CaOCl2 बोलते हैं, धावन सोडा के बारे में पढ़ना है Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4×2H2O, बेकिंग सोडा NaHCO3 के निर्माण की विधि, गुण एवं उपयोग। आपको देखना है ये कैसे बनेंगे और इनके गुण क्या है और इनके उपयोग क्या है। यानी कि मान लीजिए आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आप पढ़ रहे हो तो आपने देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की सहायता से और क्या क्या बनाया जा सकता है, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या क्या उपयोग है, ये सारा आपको इनमें पढ़ना है। राइट, फिर से देख लीजिए H प्लस और OH आयन के आधार पर अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा, गुणधर्म, उपयोग और उदाहरण, pH पैमाना, दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इनके निर्माण की विधि, गुण और उपयोग के विषय में आपको पढ़ना है। राइट, अगला लेसन है आपका धातु एवं अधातु। इसमें आपको पढ़ना है धातु व अधातु के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको सक्रियता श्रेणी जिसको हम विद्युत रासायनिक श्रेणी भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ना है।
फिर आपको पढ़ना है धातु क्रम की आधारभूत विधियां, और आपको पढ़ना है आखिरी टॉपिक संक्षारण तथा उसका निवारण। फिर से समझ लीजिए, धातु व अधातु के गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी, तीसरा आपको धातु क्रम की आधारभूत विधियां, और अगला संक्षारण तथा उसका निवारण। अगला लेसन आपका कार्बनिक यौगिक, जो आपका लेसन नंबर 4 है। इसमें जो पहला ही टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बनिक यौगिकों का की नाम पद्धति, जिसे हम IUPAC बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसको बड़ा अच्छे से आपको करना है। कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति, जिसे हम IUPAC बोलते हैं। अगला है संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर को पढ़ना है। तीसरा आपको कार्बनिक यौगिकों के गुणधर्म, जैसे कि दहन, ऑक्सीकरण, संकलन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन विषय में पढ़ना है। नेक्स्ट आपको एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, इसके गुणधर्म और उपयोग के बारे में पढ़ना है। एथेनॉल बोलते हैं C2H5OH को बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं CH3COOH को। और आगे पढ़ना है आपको साबुन एवं अपमार्जक के विषय में पढ़ना है। और आखिरी लेसन आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आपको जो ध्यान देना है टॉपिक्स पर, डोबेराइनर का त्रिक नियम है, और न्यूलैंड का अष्टक नियम है, या अष्टक सिद्धांत बोलते हैं हम इसको, मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है, संयोजकता तथा परमाणु क्रमांक के विषय में पढ़ना है, और धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। इस लेसन में फिर से देख लीजिए, डोबेराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीफ की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, राइट, ये आपको पढ़ना तो है। ये है वो 5 लेसन जो आपको अच्छे से करने हैं, पूरे 20 नंबर अगर आपको मिलेगा तो प्लीज़ आप इनको ध्यान से कीजिएगा। अगर कर रखे हैं तो इनका अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।